जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक 2020, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है ओलंपिक का जो गेम होता है, तो 2020 में जो होने वाला था उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे, ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। तो इस चीज़ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। ये जो 2020 ओलंपिक 2020 का जो गेम होने वाला था, ये टोक्यो में होने वाला था जो कि जापान में है। और ये ओलंपिक गेम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 2020 का गेम है उसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया हो। वरना जनरली मतलब ज़्यादातर पोस्टपोन्ड नहीं किया जाता था, मतलब पहले पोस्टपोन्ड नहीं किया जाता था, और करना होता था तो कैंसिल हो जाता था सीधे सीधे, बट पोस्टपोन्ड नहीं होता था। तो ये इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में पहली बार हुआ है, वो भी कोविड-19 की वजह से, जो कि आपको पता है कि 2020 में कितना तबाही मचा रखा था तो कोविड-19 ने। अगर हम लोग ओलंपिक गेम के पीछे की बात कर लें तो ओलंपिक गेम अब तक 3 बार कैंसिल हो चुका है। अब पहली बार पोस्टपोन्ड हुआ है वो भी 2020 में, बट कैंसिल 3 बार हो चुका है। एक तो हुआ है 1916 में, एक 1940 में और 1944 में, वो भी किस वजह से, वो भी वर्ल्ड वार की वजह से। तो थोड़ा हम वर्ल्ड वार की तरफ देख लेते हैं, फिर उससे थोड़ा रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं। तो 1916 का गेम है, उसके कैंसिल होने का रीज़न क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हो गया था और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। तो और इसका जो डेट था, ओलंपिक का डेट था 1916 में ही था, बट ये इसी बीच में पड़ गया इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ये हमारा जो हुआ था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर से लेके, मतलब एक तरफ ये देश थे और दूसरी तरफ जो देश थे वो थे ब्रिटेन था, फ्रांस था, रसिया था, इटली था, रोमेनिया था, जापान था और यूएस था। तो इन दोनों रीज़न के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई हुई थी, और जिसमें कि ये मतलब कि अलायंस जीते थे। अलायंस किसको बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, रोमेनिया, जापान, यूएस, ये जो थे ये अलायंस करके आए हुए थे। तो ये लोग जीते हुए थे इस वर्ल्ड, पहले वर्ल्ड वॉर में। इसमें अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 16 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, वो भी क्या आम इंसान को और सोल्डर को मिला के। 16 मिलियन मतलब समझ रहे हो आप, 1,60,00,000 के लमसम लोग मरे थे इसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और दूसरा जो ओलंपिक गेम था वो कब कैंसिल हुआ था, एक तो हुआ था 1940 में और एक हुआ था 1944 में। एक्चुअल में ओलंपिक गेम हर 4 साल बाद होता है। ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को और ख़त्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को, जो कि 6 साल 1 दिन तक चलता गया था लगातार। ये भी हुआ था 2 रीजंस के बीच में। तो एक तरफ जो था वो फिर से जर्मनी था, इटली था और जापान था, और दूसरी तरफ जो थे वो थे फ्रांस थे, वही ब्रिटेन था, यूएस था, सोवियत यूनियन था और चाइना था। और इसमें फिर से अलायंस की जीत हुई थी, मतलब फिर से वही देश जीते थे, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन जिसे कि रसिया बोलते हैं, चाइना, यही देश जीते थे फिर से। इसमें लगभग 50 मिलियन से लेकर 60 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, मतलब 5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ लोगों के बीच में लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कि आम इंसान भी शामिल थे और सैनिक भी शामिल थे। अगर ये ओलंपिक 2020 कैंसिल हो जाएगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, इससे लगभग $15.4 बिलियन का नुकसान होगा, जो अगर इंडियन रुपीज़ में इसे कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए होंगे। तो इतने पैसे का नुकसान होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही बुक कर दी गई है, जैसे रहने के लिए जगह हुआ, होटल हुआ, ये सारी चीज़ें पहले से ही बुक है। इसमें लगभग 11,000 मतलब लोग हिस्सा लेने वाले हैं, तो सोच सकते हो कि कितने बड़े मात्रा में नुकसान पहुंचने वाला है अगर ये कैंसिल हो गया 2020 का ओलंपिक। तो जो कि इसके क्या बोलते हैं, ओलंपिक कमेटी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बेंच, जो कि 1 सितंबर 2013 को बने हुए थे ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट। ये वर्जबर्ग से है, जो कि जर्मनी में है, मतलब इनफैक्ट कि ये जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं। अब तक 28 समर ओलंपिक में से 23 समर ओलंपिक खेल लिए गए हैं और 23 विंटर ओलंपिक में से 20 विंटर ओलंपिक खेल लिए गए हैं। जो पहला समर ओलंपिक था उसे सिंगापुर में खेला गया था और ये 14 अगस्त 2010 से लेकर 26 अगस्त 2010 तक चला था। और जो पहला विंटर ओलंपिक है वो इंसबर्ग में खेला गया था, जो कि ऑस्ट्रिया में है।
ये 13 जनवरी 2012 से लेके 22 जनवरी 2012 तक चला था, मतलब कि लमसम 10 दिन तक ये चला हुआ था। तो आगे के जो 5 सालों में जो ओलंपिक और होने वाले हैं, तो वो कहाँ कहाँ होने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको पता चल गया कि 2020 में जो खेला जाने वाला था वो समर ओलंपिक था और ये टोक्यो में खेला जाने वाला था। फिर से 2022 में जो खेला जाने वाला था वो विंटर ओलंपिक था और ये बीजिंग में खेला जाने वाला था। उसके बाद 2024 में जो खेला जाने वाला है वो समर ओलंपिक है और ये पेरिस में खेला जाने वाला है। फिर 2026 में जो खेला जाने वाला है ये भी विंटर ओलंपिक है और ये माइल कार्टिना में खेला जाने वाला है। और फिर 2028 में समर ओलंपिक खेला जाने वाला है, ये लॉस एंजलिस में खेला जाने वाला है। तो ये अगले जो 5 गेम खेले जाने वाले हैं ये उसके बारे में था कि कहाँ कहाँ खेले जाने वाले हैं और कौन कौन से साल में खेले जाने वाले हैं। 2022 में बीजिंग जो है वो विश्व का पहला ऐसा सिटी मतलब बन जाएगा जिसमें समर और विंटर दोनों ओलंपिक खेले गए हों, क्योंकि समर ओलंपिक तो 2008 में खेला जा चुका है और ये जो 2022 में जो खेला जाएगा ये विंटर ओलंपिक होगा। तो इसलिए बीजिंग जो है वो पहला ऐसा सिटी बन जाएगा। लंदन जो है वो विश्व का तीसरा क्या बोलते हैं विश्व का पहला ऐसा सिटी है जो कि जहाँ पे कि 3 समर ओलंपिक गेम खेले जा चुके हैं। और पेरिस 2024 में दूसरा सिटी बन जाएगा जहाँ पे 3 समर ओलंपिक गेम खेले जाने वाले मतलब खेले जा चुके होंगे, वो भी 2024 में बनेगा पेरिस। और लॉस एंजलिस जो है वो 2028 में बनेगा जहाँ पे 3 समर ओलंपिक गेम खेले जा चुके होंगे, बट लॉस एंजलिस में अभी टाइम है 2028 आने में। यूएस जो है मतलब कि अमेरिका जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेम खेले गए हैं, वहाँ पे 8 ओलंपिक गेम खेले गए हैं जो कि किसी और देश की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रांस में 5 खेले गए हैं, फ्रांस स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया और कनाडा इटली जापान जर्मनी, यहाँ पे 3 गेम मतलब जो गेम है वो पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे 3 गेम होस्ट हो चुके हैं। तो एथलेटिक्स चौथे नंबर पे आता है, बैडमिंटन 5वें नंबर पे, बेसबॉल 6ठे नंबर पे, बास्केटबॉल 7वें नंबर पे, बास्केटबॉल 8वें नंबर पे, बॉक्सिंग 9वें नंबर पे, कैनोइंग 10वें नंबर पे, क्रिकेट 11वें नंबर पे, क्रॉक्वेंट 12वें नंबर पे, साइकिलिंग 13वें नंबर पे, डाइविंग 14वें नंबर पे, इक्विस्ट्रेन 15वें नंबर पे, फेंसिंग 16वें नंबर पे, फील्ड हॉकी 17वें नंबर पे, फुटबॉल 18 पे, गोल्फ 19 पे, जिम्नास्टिक्स 20 पे, हैंडबॉल 21 पे, जियोडे पॉमी 22 पे, जूडो 23 पे, कराटे 24 पे, लैक्रोस 25 पे, मॉडर्न पेक्स्टाथलोन 26 पे, पोलो 27 पे, रॉकेट्स 28 पे, रोक्यू 29 पे, रोविंग 30 पे, रग्बी यूनियन 31 पे, रग्बी सेवेंस 32 पे, शेलिंग 33 पे, शूटिंग 34 पे, स्केटबोर्डिंग 35 पे, सॉफ्टबॉल 36 पे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग 37 पे, सर्फिंग 38 पे, स्विमिंग 39 पे, टेबल टेनिस 40 पे, टैकवांडो 41 पे, टेनिस 42 पे, ट्रियाथलोन 43 पे, टग ऑफ वॉर 44 पे, वॉलीबॉल 45 पे, वाटर मैटर स्पोर्ट्स 46 पे, वाटर पोलो 47 पे, वेट लिफ्टिंग 48 पे, रेसलिंग। तो ये टोटल 48 गेम्स खेले जाते हैं। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।